आज की इस देश वार्ता में हमारे मध्य भारत सरकार के पूर्व मंत्री, नागौर के पूर्व लोकप्रिय सांसद सम्मान्य पीआर चौधरी साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री सम्मान्य श्री जगवीर जी छाबा, हमारी यात्रा के सहयोगी और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सचेतक और वरिष्ठ नेता सम्मान्य श्री योगेश्वर जी गर्ग, एससी मोर्चा के अध्यक्ष सम्मान्य कला जी मेघवाल, मंच पर बैठे सभी सम्मान्य पदाधिकारीगण, आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम सबके लिए सौभाग्य का अवसर है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। मैं राजस्थान की जनता की ओर से, हम सबकी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनकी चिर आयु के लिए स्वस्थ रहे, यशस्वी बने, यह कामना हम करते हैं कि आने वाले समय में लंबे समय तक वो भारत का नेतृत्व करें, परम वैभव को भारत को पहुंचाने का जो कार्य वो कर रहे हैं वो करते रहें, यह हम सबकी उनके लिए शुभकामना है। आज हमारे लोक देवता बाबा रामदेव जी का बाबा की बीज है, उनसे हम ये कामना करते हैं कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में सद्भाव, शांति और अच्छा समय आए, अच्छा समय रहे, उनका सदैव हम सबको आशीर्वाद मिलता रहे, हम सब मिलकर खुशहाल रहे, ये कामना बाबा रामदेव से हम करते हैं। मित्रों, हमारी यात्रा 4 सितंबर से रामदेवरा के पवित्र स्थान से, जिसका शुभारंभ देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने किया, हजारों की संख्या में उस आम सभा से ये यात्रा प्रारंभ हुई और प्रारंभ होते हुए बढ़ते बढ़ते पोखरण रामदेवरा से जैसलमेर, जैसलमेर से बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली होते हुए अजमेर जिले में प्रवेश की, अजमेर जिले के बाद अब आप सुना हम नागौर की धरती पर कल से चल रहे हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि इन 16 दिनों में जनता का जो राजस्थान सरकार के विरोध जो आक्रोश नजर आया और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उत्साह नजर आया, उसे मैं कह सकता हूँ कि यात्रा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारा काबिला आगे बढ़ता गया और उससे हम कह सकते हैं कि ये जन यात्रा बन गई। क्योंकि पिछले 4 साल से अधिक समय हो गया है, अब चुनाव में 2 माह शेष बचे हैं, लगातार कांग्रेस सरकार की विफलताएं, जो सरकार को, जो जनता को उन्होंने वादे किए, उन वादों को पूरा न कर पाए, ना अच्छा प्रशासन दे सके, अव्यवस्थाओं के कारण और आपसी अंतर्कलह के कारण जिस तरह की उनसे जनता की आशा, विश्वास और आकांक्षा थी, उसके विपरीत इनका आचरण या नजर आया। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उन जनता का कांग्रेस की, अशोक गहलोत की सरकार के प्रति जबरदस्त आक्रोश और क्रोध है। उनकी विफलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन हो, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, जिसके कारण
लूट हत्या चोरी डकैती ऐसे अनेकों कार्य क्या देश में प्रदेश में हो रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के प्रति जो आक्रोश है उस आक्रोश के कारण हमारी यात्रा के माध्यम से जो मुद्दे हम लगातार जनता के बीच में चर्चा के आ रहे हैं, राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर वन, भय भूख और भ्रष्टाचार की सरकार से लोग परेशान हो गए हैं और आने वाले समय में सरकार को कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे इस यात्रा से ऐसा महसूस होने लगा। साथ में ये कह रहा हूँ, राजस्थान की सरकार एक और किसानों को जो वादा किया कर्ज माफी का वो नहीं कर सकी, क्योंकि केंद्रीय सरकार ने किसानों को सम्मान राशि के माध्यम से किसानों की आय डबल हो उस दृष्टि से केंद्रीय सरकार ने कई योजनाओं का सीधा लाभ किसानों को मिला है। और केंद्रीय सरकार की जो योजना है जन कल्याणकारी योजना, उनके माध्यम से लोगों को सीधा लाभ मिला है, परंतु राज्य सरकार के कारण जो जन हमारी जन कल्याण की योजना है जनता तक पहुंच नहीं पा रही है, उसके कारण ही जनता में भारी रोष है। इसलिए मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में आप देखेंगे विकास के मामले में जितनी राष्ट्रीय मार्ग हैं उन राष्ट्रीय मार्गों का जिस तरह से निर्माण हुआ, हम देखेंगे भारतमाला के माध्यम से और अन्य राष्ट्रीय मार्गों के माध्यम से जो केंद्रीय सरकार ने सड़कों का निर्माण करवाया है, इसी तरह रेलवे के मामले में रेल मंत्रालय ने जिस तरह रेल मार्गों का और रेल की सुविधा के लिए निर्माण कराया है राजस्थान में, जिस तरह केंद्रीय सरकार की योजना चल रही है उसके विपरीत जो केंद्रीय सरकार के प्रति लोगों का जो उत्साह है, केंद्रीय सरकार के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है, उसे मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में राजस्थान में कमल खिलेगा, कांग्रेस की जनता उठा के फेंकेगी। इस आशा उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आज इस पूरे क्षेत्र के अंदर सेवा स्वराज और गरीब कल्याण के काम में हम लगे हुए हैं। आने वाले समय में हमारी यात्रा जो आगे बढ़ेगी, लोगों का सहयोग आगे मिलता रहेगा, जो उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जन सहयोग और जन उत्साह भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी विचारधारा और कार्यक्रम के आधार पर कार्यकर्ताओं का निर्माण करती है और जिस तरह सबको सूचना सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं और सामूहिक नेतृत्व के माध्यम से सबको सूचना देती है, जो जितनी जिसमें सक्रियता होती है वो उसके बीच में आगे भाग लेता है। आपको आपकी जानकारी के लिए मैं कह सकता हूँ हम इस चारों यात्रा का जब हमारा शुभारंभ हुआ था, वसुंधरा जी हमारे राजस्थान का बड़ा चेहरा है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में चारों यात्रा प्रारंभ हुई है और सारी यात्रा में वो शामिल होती है और जहाँ जरूरत होती है वहाँ वो जा रही है। ये सिर्फ प्रेस के द्वारा या जनता द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। जनता भी देख रही है, नेता भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। यूनुस खान यहाँ से दो बार मंत्री रह चुके हैं, पिछले पांच साल में पूरे संसद के किसी भी कार्यक्रम में उनको देखा नहीं गया, ना उन्हें बुलाया जाता है। क्या वो टिकट के दावेदार नहीं है? क्या यहाँ से उनको पार्टी ने पूरी तरह से हटा दिया? हमारे कार्यक्रम विचारधारा और सक्रियता उसके आधार पर हमारा पार्टी की जो कार्यक्रम के आधार पर चलते हैं, जो कार्यक्रम के साथ जुड़े रहते हैं, कार्यक्रम के साथ रहते हैं, वो कोई कभी उनकी मजबूरी होगी कुछ काम कारण नहीं आए होंगे, हमारी ओर से सबको निमंत्रण था, सबको निमंत्रण था। किसको नहीं? वो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, पार्टी के कार्यकर्ता अपनी सक्रियता अपने समय के आधार पर उचित समय उस कार्यक्रम में आते हैं और जाते हैं,
कोई कारण किसी कारण से नहीं आ पाए तो वो उसका जवाब वो देंगे, हम तो नहीं देंगे। पहले श्रीराम भीतर जी ने सभा में कहा था कि मुझे संगठन से दूर रखा जा रहा है, यात्रा की सूचना नहीं दी गई है, वो सभी पदाधिकारियों पर आरोप लगा थे, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी जानकारी नहीं है, यहाँ के यहाँ पर जिलाध्यक्ष मौजूद है, जिलाध्यक्ष से जानना चाहेंगे कि श्रीराम भीतर जी पहले आपको पहले आपके जवाब अभी महामंत्री जी आपके स्थान में मुझे बोलेंगे। श्रीराम बीजेपी के आरोप में कितना दम है, क्योंकि उन्होंने खुले तौर पर कहा कि भाजपा संगठन उन्हें सूचना नहीं दे रहा, ना ही यात्रा की उन्हें कोई जानकारी है। पूर्व विधायक रहे, सिटिंग एमएलए होते हुए टिकट काटकर रूपाराम मुरारते को टिकट दी गई। मैं आपको व्यक्तिगत जानकारी दे देता हूँ। माननीय श्रीराम जी बिंचर हमारे नेता है, संगठन के कार्यकर्ता है, और उनसे मेरी खुद की कम से कम 4-5 बार बात हुई है। उन्होंने कहा था मैं कहाँ सभा करूँ, मैंने कहा सभा एक ही होती है, आप स्वागत सभा रख सकते हैं, और जहाँ इस तरह आप चयनित कर लो मुझे बता देना। और हमने किसी भी कार्यकर्ता को 2-4 तारीख से लेकर अभी तक किसी को मना नहीं किया, हर कार्यकर्ता ने अपना उत्साह दिखाया, हमारी सारी टीम वहाँ रुकी है, सबका मार्गदर्शन भी मिला और हमने किसी को मना नहीं किया। मैंने कहा था उनको व्यक्तिगत कहा था आप जहाँ भी करना चाहें हमें पॉइंट बता दो ताकि हम सूचना करते हुए श्रीराम जी का पॉइंट ही आए। सर यही बात जगाना में भी देखने को मिल रही है, अजय सिंह किल्लक पूर्व में 2 बार मंत्री रह चुके हैं, वो भी कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज कर रहे हैं। नाराजगी परिवार में अपने खुद के भी हो सकती है, ऐसा कोई बात नहीं, क्या नाराजगी उनकी वो जाने, लेकिन जो आकांक्षी कार्यकर्ता है उन्होंने भी वहाँ अपना कार्यक्रम किया था स्वागत सभा के नाम से, और 2-3 पॉइंट अलग थे उनका, माननीय किलक साहब का पॉइंट पहले से निश्चित था वहाँ, और शानदार वहाँ सभा हुई थी और सब हम वहाँ मौजूद थे। जिस तरह से दावेदारों की संख्या बढ़ी है, अभी कितने दावेदार बढ़ेंगे उसकी नाराजगी के साथ से ज्यादा है, और कहीं ना कहीं नाराज जो नाराजगी है नेताओं की, वो कारण यही है कि दावेदारों की संख्या ज्यादा है, क्या दावेदारों की संख्या भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में भारी पड़ने वाली है? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता ज्यादा होंगे वहाँ, उनकी आकांक्षा भी ज्यादा होगी, हर कार्यकर्ता को अपनी आकांक्षा प्रकट करने का अधिकार है, और भाजपा सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ेगी, और हमारे सारे कार्यकर्ता प्रमाणिक है, भाजपा की विचारधारा से अनुकूल उनका घोषणा है, इससे ऐसा कोई भी किस्सा नहीं है जहां हमारे कार्यकर्ता कहीं नाराज हो। सियासत से पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से रियामली में यात्रा का प्रवेश हुआ था, उस समय जेल की सारी कुर्सियां खाली थी, मंच खाली रह गया था, और मजबूरी में आपके जो नेता उपनेता प्रतिपक्ष है उनको रथ के ऊपर एक भाषण देना पड़ा था, कुर्सियाँ खाली गई थी, ये नजारा दीवान अगर आपको देखने को मिला था, कुर्सियाँ खाली रह रही है और आप कह रहे हैं कि यात्रा सफल हो रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर है। यात्रा में सियासत नहीं थे, मैं था। यात्रा में हमारे जो स्वागत पॉइंट होते हैं और स्वागत सभा होती है वो है ना, बस हमारे रथ के ऊपर से संबोधन करते हैं, और हमारे लगातार लोग जो स्वागत रस्ते में कर रहे थे उनको वहाँ का चित्र आपको बताऊंगा, कम से कम 1000 लोग आसपास रथ में उस आम सभा में थे, यदि ये कोई भ्रम फैला रहा तो गलत है। मैं सहम था, हमारी यात्रा किसी व्यक्ति की विशेष की नहीं है, किसी प्रत्याशी की नहीं है, ये पूरा संगठन की भाजपा की यात्रा है, यदि किसी मंच पर किसी व्यक्ति को विशेष का कोई फोटो या स्लोगन हो तो उस मंच पर हम जाने की संभावना हमारी कम रहती है, और उस निमित्त जो आपने भाई साहब बताया था स्वागत सभा और स्वागत, उस पॉइंट में हमारा पहले से निर्धारित है, हम हमारा जो रथ है उसके ऊपर से संबोधन करते हैं। गीतवाना में भी रात को ये देखा गया था, जिस तरह से सभा थी वहाँ पर मिर्जा पार्क इसी जगह पर स्थित है कि पूरे कस्बे के लोग वहाँ आते हैं किसी भी पार्टी की सभा, लेकिन जो रात को संख्या थी वो कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में या तो खून है या फिर यूनुस खान को नहीं बुलाने से नाराजगी। ये आप देख रहे बरसात के बाद भी कार्यकर्ताओं का उत्साह, जनता का उत्साह, स्वागत करने वालों का उत्साह जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी के साथ था, देखने का नजारा आपका अलग हो सकता है, परंतु लोगों ने जिस तरह से गीडवाना ने स्वागत किया है बहुत उत्साह के साथ स्वागत किया। देखिए आपकी बात है, हम व्यक्तिगत व्यक्तियों के विषय में नहीं सोचते हैं, हम कार्यकर्ताओं के और पार्टी विचारधारा के आधार पर हमारा संसदीय दल निर्णय लेता है, सामूहिक निर्णय के आधार पर, सामूहिक कार्यक्रम के आधार पर, सामूहिक अपने कुछ समस्या के समाधान के लिए हम साथ बैठते हैं,
और जन जागरण हम एक सब साथ मिलकर काम करते हैं। आने वाले जो हमारी राष्ट्रीय विचारधारा को हमारे विचारधारा में साथ आना चाहता है तो सबको आने के लिए स्वागत है, आइए स्वागत हमारे साथ। सरकार में मंत्री थे और राजस्थान में आपकी सरकार थी और जीरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, लेकिन आपने क्या कार्रवाई की आज तक? देखिएगा वो काल के लड़ जहाँ भी कोई ये कोई नारे लगाने वाले या कोई किसी प्रकार की बात करते हैं तो पुलिस से एक्शन लेती है और विधिवत रूप से निश्चित रूप से भी हुआ है तो उससे कार्रवाई की हुई। आपकी सरकार के यहाँ से फारूक मंत्री थे राजस्थान के, फिर भी आपने क्या इनको कोई निर्देश दिए थे, उन्होंने कोई कार्रवाई आज तक की प्रमुख लोगों के खिलाफ जो आरोपी हाल ही में सुन रहे हैं? ठीक है, कई बातें कई नारे सही है कि नहीं है, लगे कि नहीं लगे, इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। क्योंकि ये जिंदाबाद के नारे लगे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाए होंगे या अभी मुझे उस केस के बारे में पता नहीं, आज से कुछ 5-6 साल हो गए होंगे इस बारे में कोई जानकारी भी। सर ज्योति मिर्जा जी को बीजेपी में शामिल किया गया, क्या मिर्जा परिवार के और भी लोग आगे संभावनाएं लग रही है, जो कमरे के पीछे से खबरें आ रही है कि मिर्जा परिवार के और भी बड़े नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं? मैंने कहा जो हमारे विचारधारा को स्वीकार करते हैं उसमें जो आएगा उनका सबका स्वागत है हमारा, लेकिन स्थापित नेताओं की जगह कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी उसको लेकर हमारे स्थापित नेता कोई खतरे में, हम विचारधारा के आधार पर काम करते हैं, हम भारत को उत्थान के विकास के लिए काम कर रहे हैं, हम सांस्कृतिक विचार के लिए काम कर रहे हैं, हम एक विचारधार आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद देश में कितनी पार्टियाँ थी, सभी पार्टियाँ थी वो व्यक्तिगत बन गई और वो सब पार्टियाँ टूटी है, पर जो हमारा लक्ष्य भारत माता का आगे भारत माता के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, इसलिए हमारी विचारधारा और सामूहिक निर्णय के कारण भारतीय जनता अपनी दिनों दिन मजबूत होती जा रही है और जो हमारे साथ हमारी विचारधारा को स्वीकार करेंगे, भारत माता को स्वीकार करेंगे, राष्ट्र को स्वीकार करेंगे, हमारी संस्कृति को स्वीकार करेंगे, श्री राम को स्वीकार करेंगे, उन सबको हम अपना सनातन को स्वीकार करेंगे, वो सब हमारी विचारधारा में आना चाहते हैं, उनका सबका स्वागत। देखिए ये संसदीय दल का है वो निर्णय लेंगे, पार्टी जिनको निर्णय लेने का अधिकार है वो उसमें विचार करेंगे, वो हमारे अधिकार क्षेत्र का नहीं है। देखिए आज़ादी के इन 45 वर्षों में देश में ऐसी कई शक्तियाँ थी जो राम मंदिर नहीं बनाना चाहती थी, गोरक्षा नहीं करना चाहती थी, देश को विभाजित करना चाहती थी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इस देश के, उन सबको देश की जनता ने जवाब दिया है। 2014 के बाद देश का जिस तरह से निर्माण हो रहा है, उस देश आगे बढ़ रहा है, विश्व में अपना एक छवि बना रहा है, तो मैं कह सकता हूँ इन बातों में सनातन में तो सिकंदर से लेकर गौरी तक आगे अंग्रेज आ रहे हैं कि हमारी परंपरा हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है उसको कोई मिटा नहीं पाए, जिन्होंने मिटाया उनकी हस्तियाँ मिट गई और हम वैसे वैसे रह गए। सर अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा, फिर वहीं पर आ रहा हूँ, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने यूनुस खान की बजट फॉर्म भेज जो दे दी थी सचिन पायलट के सामने चुनाव लड़ा था, तो उसके बाद से उनकी भूमिका जिस तरह से नगण्य समझी जा रही है, क्या यूनुस खान की भूमिका आने वाले चुनाव में कहीं नजर आएगी? तो हमारे यहाँ पार्टी में व्यक्तियों की भूमिका नहीं होती है, आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, हमारी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बलराज मधोक जी थे और हमने सबने निर्णय लिया, उन्होंने कोई गलत अनुशासन में नहीं रहे होंगे और या किसी बात में नहीं रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा अध्यक्ष बना दिया, हम विचारधारा के आधार पर चलते हैं, सामूहिक निर्णय के आधार पर चलते हैं और विचारधारा से आधार पर जो हमारे साथ चलते रहेंगे वो चलते रहेंगे, उनका कोई दूसरा कारण होगा, कोई कारण होगा, उनकी कोई व्यवस्था होगी, कोई कारण से नहीं आ पाए तो वो जाने, उनसे पूछिए आप, उनसे पूछिए ना, उनको भी पूछा है, आप पूछिए ना, मैं बार-बार पूछा, कह रहे पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को
वो उसको पार्टी का टिकट मानने का अधिकार है। निर्णय करना पार्टी के संसदीय दल का है, इसमें क्या कोई निर्णय कर लेगा। आज मैं कह मुझे पार्टी, मैं बनती रहा, मुझे पार्टी का जोधपुर निगम आनी चाहिए, मुझे पार्षद का चुनाव लड़ा दिया और पार्षद मुझे राज्यसभा में भेज दिया, ये तो पार्टी का निर्णय है। हम क्या कर सकते हैं इसमें? पार्टी हम सामूहिक निर्णय के साथ, सामूहिक कार्यक्रम के साथ, सामूहिक दृष्टि से विचारधारा के विस्तार के लिए, विचारधारा को लोगों को समझाने के लिए आगे बढ़ेंगे। जितना हम आगे बढ़ेंगे लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। सर, पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा और आरएलपी का गठबंधन था, इस बार वो गठबंधन नहीं है, लेकिन सुना जा रहा है कि आरएलपी और कांग्रेस के तालमेल बैठ सकता है, तो आरएलपी और कांग्रेस के तालमेल को भाजपा कितना बड़ा खतरा मानती है? क्या देखती है उन दोनों का अगर तालमेल हो जाए तो चुनाव में किस संदर्भ में आप इसको देखेंगे? हम कोई खतरा नहीं मानते, हम जनता हमारे साथ है, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सड़क से लेकर सदन तक हर समस्याओं के समाधान के लिए अन्याय के विरुद्ध हम संघर्ष करते रहे। जनता जानती भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता विश्वास है, तो विश्वास के कारण और आकांक्षा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है कि हम आगे बढ़ेंगे, वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं। कांग्रेस इस कार्यकाल में क्या नहीं दे पाई जो आप आने वाली सरकार में देंगे? हम अच्छा प्रशासन देंगे, अच्छी कानून व्यवस्था देंगे, अपराधियों को इस बात का भय हो इस राज के अंदर कि हम अपराध करें तो हम बचेंगे नहीं, जैसे यूपी में योगी जी का। यात्रा के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में आने वाले हैं, क्या टिकटों की घोषणा उससे पहले होगी या उसके बाद में हो जाएगी? हमारा संसदीय दल गत्ता है और भारतीय जनता पार्टी के हर स्तर पर कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है इसके बूथ का बूथ की समिति, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला और प्रदेश और राष्ट्र जिसका सीधा संपर्क हो, और इसलिए सीधा संपर्क होने के कारण हमारी कार्यक्रम संजीव रूप से संचालित होते हैं। इसलिए हमारे लिए हम सबसे विचार विमर्श करके सबसे सामूहिक निर्णय के साथ वो निर्णय जो लेते हैं लेंगे। समय आएगा, जिस कार्यकर्ता जो कहेंगे कार्यकर्ता खड़ा हो जाएगा, हम सब मिलकर साथ काम कर लेंगे। सामूहिक निर्णय के आधार पर चलते हैं और सामूहिक कार्यक्रम के आधार पर चलते हैं।